हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल DK पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पता होगा आपको कि हाल ही में आपका जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के विज्ञापन जारी हुआ UPSC के थ्रू। तो उसमें देखिए, पता होगा जैसे कि आपको कि लगभग इसमें 3800 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आई है, तो इसमें आपका SSC मांगता है, ठीक है। लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास SSC नहीं है तो इसके जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हैं वो आपके मान्य रहेंगे। अब देखिए, बच्चों का सवाल ये आता है कि सर इसके SSC के इक्विवेलेंट कौन कौन से सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो आपके मान्य रहेंगे, चाहे तो आपका जूनियर वैकेंसी हो या जितनी वैकेंसी आपकी आती है UP SSC में, लगभग सभी वैकेंसी में अब आपका SSC या इसके इक्विवेलेंट मांगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका SSC के इक्विवेलेंट कौन सर्टिफिकेट आपके मान्य होंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप पैट 2023 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश छोड़कर पूरी कंप्लीट तैयारी फ्री में कराई जाएगी पैट 2023 की, ठीक है। अब बहुत जल्दी आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं हम SSC के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर मान लो आप अगर दोस्तों आपने 10th में या आपने 12th में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट, अगर कंप्यूटर आपने पढ़ा हुआ है तो वो दोस्तों आपका SSC के इक्विवेलेंट माना जाएगा। होता नहीं जैसे कि आपने 10th में पढ़ा हो, कंप्यूटर बहुत जगह चलता है 12th में या किसी जगह 10th में या 12th में किसी में से भी, ठीक है, तो वो आपका कंप्यूटर जो आपका पढ़ा हुआ है वो SSC के इक्विवेलेंट आपका माना जाएगा। या इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लो आपने BTech कर रखा है किसी भी ब्रांच से, तो वो भी दोस्तों आपका SSC का इक्विवेलेंट है। तो देखा होगा अपने CSIT में तो कंप्यूटर पढ़ते हैं 4 साल तक, लेकिन और भी जो ब्रांच आपकी होती हैं EIEE EC हो गया, मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग, तो दोस्तों उनमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें पढ़ा हुआ आपने तो वो भी आपका SSC का इक्विवेलेंट माना जाएगा। या आपने BCA कर रखा है, MCA कर रखा है, ये सब आपका SSC का इक्विवेलेंट है। MBA कर रखा है वो भी SSC का इक्विवेलेंट है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लो आपने BSc कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो वो भी आपका SSC का इक्विवेलेंट माना जाएगा। और अगर आपने O-Level कर रखा है तो वो भी आपका SSC का इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है, ये सब कोर्स हो गए। और दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि आपका ADCA हो गया, DCA हो गया, PGDCA हो गया, यानी जितने भी दोस्तों आपके कोर्स हैं सभी आपका SSC का इक्विवेलेंट माने जाएंगे। बस देखिए, ये कंडीशन आपकी ये है कि जो भी आपने कोर्स कर रखा हो वो एक तो सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और कम से कम आपका 6 महीने का कोर्स वो आपका होना चाहिए, ठीक है, तो वो सारे कोर्स आपके इसमें वैलिड रहेंगे। चाहे आपने पॉलिटेक्निक पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हुआ, मतलब आपने यानी कंप्यूटर आपने 6 महीने पढ़ा हो और जिस भी जो भी आपने कोर्स कर रखा है वो सरकार से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपके मान्य होंगे SSC के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो भी आपका डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।